हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये आज का मेरा संडे क्यों है जो आपको संडे को नहीं मिल रहा होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पड़ोसी की शादी थी, नेबर की, और वहाँ पे मैं गया हुआ था तो मुझे आने को काफ़ी लेट हो गया। आप जानते ही है, पड़ोसी की शादी यानी कि अपने घर की शादी जैसी होती है, तो वहाँ पे जाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं आके अब जो है 11:15 बजे रात के वीडियो बनाने को बैठा हूँ। शायद 1-2 बजे तक वीडियो मैं पब्लिश कर पाऊंगा, पता नहीं मैं कितने बजे कर पाऊंगा। तो फटाफट से जो है पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन रेखा का है। ये बोलते हैं कि 11 Pro Max के अंदर फुल एच डी डिस्प्ले दिया है ओलेड वाला, लेकिन जो है 60 Hz का रिफ्रेश रेट वाला जो डिस्प्ले होता है जो कि आईफोन्स में आता है वो 90 Hz के सामने घटिया होता है। मिनिमम 90 Hz तो देना ही, जितना नॉच के साथ और घटिया लगता है। तो नेक्स्ट ईयर आईफोन अगर नॉच का आएगा तो भी क्या आप लोगे? और आईफोन का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है ये वो मानते हैं, लेकिन गैलेक्सी जो है मतलब जो एस सीरीज़ के फ़ोन हैं वो स्मार्टफोन में, और वन प्लस भी जो है वो बेस्ट है, ऐसा उनका बोलना है। देखिए, जब डिस्प्ले की बात कर रहे हो, पहली बात तो आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देखो। सिर्फ यूट्यूबर्स 90 Hz को जो तारीफ करते थे पूरा टाइम, 90 Hz का डिस्प्ले दे दिया, 90 Hz का डिस्प्ले दे दिया, ये चीज़ के ऊपर आप जो है अपना डिसीजन मेक मत करो, अपने पैसों की बर्बादी मत करो। वो फोन जो एक्सपीरियंस देते हैं आपको, आईफोन वाला एक्सपीरियंस कभी भी वो फोन में आपको देखने को नहीं मिल सकता। रही बात 60 Hz और 90 Hz की, माना कि उसका जो डिस्प्ले है आपको ज़्यादा फ्लूइड देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप iOS इस्तेमाल करेंगे, ये जो नॉच वाले आईफोन की आप बुराई कर रहे हो ना, इस पर इस्तेमाल करके देखना कितना पॉलिश, कितना फ्लूइड लगता है। जो पैसा आप देते हो सिर्फ उसका जो iOS सिस्टम आप यूज़ करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा आपका जो है वसूल हो गया है। वहाँ पे जो एंड्रॉइड के फोन होते हैं, कोई भी फोन आप ले लो, और आईफोन का पुराने से पुराना सस्ते सस्ता मॉडल ले लो जिसके अंदर iOS चल रहा है, कोई भी iOS 12 क्यों ना हो या iOS 13 क्यों ना हो, उसके अंदर आप देखेंगे तो जो एनिमेशन में डिफरेंस है। यूट्यूब एप्लीकेशन की एक बात बता देता हूँ आपको, यूट्यूब का वीडियो आप प्ले कर रहे हो ना आईफोन के अंदर, जब आप उसको लैंडस्केप मोड में डालते हो पोर्ट्रेट से, तो जितनी फ्लूडिटी से वो जो है कन्वर्जन वहाँ पे होता है, उसका जो ट्रांजिशन होता है वो कभी भी एंड्रॉइड के अंदर आपको देखने मिलता है। कितना भी महंगा फोन आप एंड्रॉइड का ले लो, उसके अंदर जो एक झटके से वो जो है ट्रांजिशन करता है जो कि काफ़ी चीप लगता है। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी फैक्टर्स होती है, और आईफोन जो है उसके अंदर आगे जाके अगर 60 Hz का वाला डिस्प्ले भी आया तो भी मैं आईफोन ही लूँगा, क्योंकि आईफोन सिर्फ एक डिस्प्ले का नाम नहीं है, बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें, और नॉच भी आएगा तो भी लूँगा, क्योंकि नॉच तब तक एप्पल नहीं हटाएगा जब तक उसके लेवल की सिक्योरिटी जो है वो कहीं और नहीं दे पाएगा। नॉच के अंदर जो है खाली कैमरा नहीं दिया हुआ है एंड्रॉइड के फोन जैसा, उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स है जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है अजीत सिंह का, ये बोलते हैं क्लोन के ऊपर केस क्यों नहीं होता। देखिए, क्लोन के जो प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं चाइना के अंदर मैक्सिमम, और वहाँ से जो है इंडिया के अंदर आते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं, तो जो लोग उनको बेचते हैं उनके ऊपर केस ज़रूर होता है। क्लोन के चाहे वॉचेज़ हो, क्लोन के चाहे एप्पल के जैसे आईफोन्स हो, या फिर एयरपॉड्स हो, कोई भी हो, क्लोन का कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर केस जरूर होता है। उसको जो सेल करता है, उसको जो यूट्यूब पे भी प्रमोट करता है उसके ऊपर भी केस होता है, यूट्यूब उसका वीडियो भी डाउन करता है और उसका चैनल भी सस्पेंड होता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल सस्पेंड हुए हैं क्लोन प्रोडक्ट्स, कॉपी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। रही बात चाइना में जो कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती है उनके ऊपर केस इसलिए नहीं होता है, क्योंकि चाइना वाले ऐसे, अभी यहाँ पे मैं कपड़े पहन के बैठा हूँ, आप मुझे बोलेंगे ए नंगे तो मुझे जो है शर्म आएगी, बुरा लगेगा, लेकिन चाइना वाले जो है कपड़े उतार के एकदम बिजनेस की लाइन में उतरे हुए, उनके ऊपर कोई केस भी ना होता। बाहर से आके कोई चाइनीज कोर्ट में अगर केस करेगा तो केस कभी जीत भी नहीं सकता। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हर सिमरन सिंह का, ये बोलते हैं आईफोन जो है इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं दूसरे फोन्स के मुकाबले। मैं जानता हूँ कि आईफोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन प्रोसेसर ही आईफोन को जो है वो एक्सपेंसिव नहीं बना सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है, सिर्फ प्रोसेसर की वजह से जो है आईफोन एक्सपेंसिव नहीं होता। प्रोसेसर आईफोन का जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट भी नहीं होता। आईफोन का जो हार्डवेयर है ओवरऑल वो काफ़ी महंगा होता है, सारे पार्ट जो है काफ़ी महंगे होते हैं, उसका फेस आईडी हो गया, उसके कैमराज हो गए, ये सारी चीज़ें तो है। उसका सॉफ्टवेयर भी जो वो लोग बनाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिसेंट डेवलपमेंट होता है, और आईफोन को टोटल बनाने के लिए जो एप्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है वो सब उसका खुद का होता है, जिसके लिए लाखों अरबों खरबों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। रियलमी जैसा नहीं करता या रेडमी जैसा नहीं करता कि एप्पल ने जो बनाया उसको सीधा सीधा उठा के छाप दो। अगर वर्टिकल कैमरा सेटअप दे रहा है आईफोन, तो वहाँ पे रेडमी ने भी जो है वर्टिकल कैमरा सेटअप दे दिया, या फिर रियलमी वाला जो कॉपी करता है या वीवो वाला जो कॉपी करता है पूरा OS उठा के छाप देता है, तो ऐसा एप्पल कभी भी नहीं करता। उनको पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, पूरी इंजीनियर्स की डिजाइनर्स की टीम बिठानी पड़ती है, जिनको पेमेंट देना पड़ता है, बहुत सारे पेटेंट्स वो लोग फाइल करते हैं, और ये जो चाइनीज कंपनी उठा के सीधा कॉपी करके पेश कर देती है, इसलिए वो लोग जो है आपको सस्ते में वही टाइप के टेक्नोलॉजी या वही टाइप का डिज़ाइन दे पाती है, एप्पल नहीं दे पाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अलंकृत गुप्ता का, ये बोलते हैं अनबॉक्स थेरेपी और निक एक्यूरेंज, दो यूट्यूबर है, इंग्लिश चैनल है इनका। ये जो है बोलते हैं ऑक्सीजन OS जो वन प्लस में आता है वो थोड़ा बेहतर है iOS के मुकाबले, आपका ऑक्सीजन OS के बारे में क्या कहना है? मुझे ऑक्सीजन OS बिल्कुल भी iOS के मुकाबले बेहतर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पॉलिश, बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की OS होता है iOS, और एंड्रॉइड को कभी भी मैं जो है iOS से ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझता। iOS मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है एंड्रॉइड के मुकाबले। रही बात उनकी, तो ये उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, हर एक इंसान अपना ओपिनियन रखता है, और दूसरी चीज़ जो उसको पसंद नहीं आती है उसमें उसको कोई खराबी लगती है तो उसको क्रिटिसाइज भी करता है, सबका अपना खुद का ओपिनियन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिस्टर अंकित का, बोलते हैं ये जो यूट्यूबर्स सेकेंड हैंड आईफोन्स दिखाते हैं बेचते हैं, बोलते दो से तीन दिन पुराना है तो ये कहाँ से आते हैं इतने कम दिन वाले आईफोन? सिंपल सी बात है, ये आईफोन्स वहाँ
से आते हैं, समझो आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास कैश नहीं है, आपको कोई लोन नहीं दे रहा, इमीडिएट आपको कैश की ज़रूरत है, आप कोई शॉप में चले गए, शॉपकीपर को आपने बोला भाई साहब मुझे जो है पैसे की ज़रूरत है, आप मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वो आपको पैसे कैसे देगा, तो वो क्या करता है आपको जो है एक आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी जो है वो बेचता है, यानी कि आपके नाम पर बिलिंग करता है, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है और उस फ़ोन के ऊपर 2-3 हज़ार 5 हज़ार जितना भी बनता है उतना कम करके बाकी कैश आपको दे देता है। अब ये नए का नया फ़ोन उसके पास आ जाता है तो इसको नया फ़ोन बोल के वो बेच नहीं सकता, इसलिए वो उसको अनबॉक्स करता है, एक्टिवेट करता है और फिर किसी को बेच देता है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों ये बहुत लोग का सवाल होता है, तो एक सवाल जो है इनका मैं ले लेता हूँ। फैन सिंघम है इनका नाम, ये बोलते हैं आईफोन 7 प्लस यूज़ करो, बैटरी हेल्थ 80% पे आ चुकी है, कौन सा टाइम सही है कि इस बैटरी को चेंज करना। देखिए अगर आपको बैटरी हेल्थ कितनी भी हो, 80% हो, 90% हो, 75% हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ोन की बैटरी जो है जब मैंने नया लिया था उसके सामने जो है अभी बहुत ज़्यादा कम चल रही है, उतना बैटरी बैकअप दे नहीं रहा है, तकलीफ हो रही है आपको, जाओ बैटरी जाके चेंज कर लो, इतना सोचो मत, ज़्यादा महंगी भी चीज़ नहीं होती बैटरी। अगर आपकी बैटरी लाइफ आपको ठीक ठाक मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भी कब मुझे करना चाहिए चेंज, तो पीक परफॉर्मेंस एनेबल डिसेबल का ऑप्शन जब आपके आईफोन के अंदर आ जाएगा बैटरी के अंदर, उस टाइम पर समझ जाना कि आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा डिटोरेट हो चुकी है कि अब आपको जो है उसको चेंज कर देना चाहिए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं है, आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आपका आईफोन आपको बता देगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द डार्क नाइट का, ये बोलते हैं आप एक डाई हार्ड एप्पल फैन है तो आप आईपॉड टच जो है वो रिव्यू क्यों नहीं करते, क्या वो एक गुड एंट्री है आईओएस सिस्टम के लिए। मुझे नहीं लगता कि आईपॉड टच जो है एक गुड एंट्री है आईओएस सिस्टम के लिए, क्योंकि यहां पे जो है उतने ही कीमत में या उससे कम कीमत में आपको बेहतर आईफोन्स मिल जाते हैं और आईफोन्स आपको म्यूजिक प्लेबैक, वीडियो प्लेबैक, कॉलिंग हर चीज का काम कर लेते हैं। आपको एक डेडिकेटेड मीडिया डिवाइस चाहिए तो वो बात अलग हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वर्थ बाइंग आईपॉड टच। और रही बात मैं रिव्यू नहीं करता, देखिए मुझे जो है बहुत सोच समझ के रिव्यू करना पड़ता है प्रोडक्ट्स, अगर आईफोन की बात है, एप्पल वॉच की बात है, एयरपॉड्स की बात है तो मैं कैसे भी उसको अरेंज करता हूँ, आईपैड भी कैसे भी उसको अरेंज करके जो है मैं रिव्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जो व्यूअर्स है वो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। अब आईपॉड का अगर मैं रिव्यू करूँगा खरीद के तो हार्डली कोई उसको देखेगा। और रही बात आईपॉड का रिव्यू करने की, चलो एक बार उसको खरीद के रिव्यू कर भी दूँ, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी ये चीज़ें लॉन्च होती है वो लॉन्च होती आती नहीं, बहुत दिनों बाद आती है, और मैं अगर इंडिया से खरीद के उसको रिव्यू करूँ उसके पहले ही मेरे व्यूअर्स जो है दूसरे चैनल पे उसके रिव्यू देख चुके होंगे, तो मेरे लिए वो जो है एक फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमन पांडे का, ये बोलते हैं मेरे पास एक आईफोन 11 है, मेरे पापा के पास जो है 1+70 है, लेकिन मेरे आईफोन के कैमरा के जो फोटोज है 1+70 से काफ़ी अच्छे आते हैं, जबकि 1+ के कैमरा का मेगापिक्सल आईफोन से बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्यों है। देखिए सिर्फ मेगापिक्सल जो है वही अच्छे फोटोज खींचने में आपकी मदद नहीं करता, सेंसर की भी एक क्वालिटी होती है, सेंसर का साइज होता है, एपिचर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है और पोस्ट प्रोसेसिंग भी होता है, यानी कि फोटो लेने के बाद किस तरीके से आपका फ़ोन जो उसको प्रोसेस करता है, ये बहुत सारे रीजन होते हैं जो आपको एक अच्छा फोटो निकाल के देते हैं। और हमेशा आपको मैं बोलता हूँ कि आईफोन के जो कैमरास है वो एंड्रॉइड के फ़ोन के कैमरा से बेहतर होते हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो वीडियोग्राफी हो, आईफोन 11 का कैमरा जो है बहुत अच्छा है 1+70 के कैमरा से, और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। अभी बीच में मैं गोवा गया था ट्रिप के लिए, तो वहाँ पे जो है एक फंक्शन में गया था, तो वहाँ पे एक आंटी थी, उनके पास जो है 1+70 था, तो वहाँ पे कुछ इंटरनल सिनेरियो के अंदर, मतलब अंदर का कुछ सीधा घर के अंदर का बहुत सारे लोग थे तो वहाँ पे फोटो लेना था, तो मैंने अपना फ़ोन ऑफर किया किसी को कि भाई इससे लो, तो वो जल्दी से आ गई कि मेरा जो है 1+70 से लो, और उनके फ़ोन से भी फोटो लिया गया और मेरे फ़ोन से भी फोटो लिया गया, और सबने देखा कि जो है आईफोन 11 का फोटो है वो मच बेहतर है। उस टाइम पे मैं भी देख पाया कि हाँ एक्चुअल में जो है आईफोन 11 का फोटो जो है 1+70 से मच बेहतर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूरज कुमार का, ये बोलते हैं सेल बडी का न्यू ईयर का कुछ ऑफर आएगा क्या। देखिए सेल बडी वालों से मेरी ऑलमोस्ट जो है रोज़ बात हो रही है, काफ़ी सारे ऑफर्स वो लाना चाह रहे हैं एप्पल वॉच के ऊपर, आईफोन्स के ऊपर, लेकिन अभी आप जानते हैं कि कंट्री के अंदर हालात कैसे चल रहे हैं, बहुत जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे सिटीज़ के अंदर जो है तोड़फोड़ हो रही है, बहुत सारे लोगों को इंजरी हो रही है, पुलिस वालों को इंजरी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और इंटरनेट जो है बहुत सारी जगहों पे शटडाउन है, आसाम में पूरी तरह से शटडाउन है, बहुत सारे हमारे आसाम के जो व्यूअर्स है उन बेचारों ने भी मुझे कमेंट करके बताया कि भाई एक हफ्ते से आपकी वीडियो नहीं देखा, अभी इंटरनेट आया है तो हम लोग अभी आपके जो है वीडियोस देख रहे हैं। तो इस वजह से जो है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंट्री जो है इतने शॉक के अंदर है, बहुत लोग दुखी है, कुछ लोग जो है गुस्से में है, इसकी वजह से जो है हम लोग इसको होल्ड करना चाह रहे हैं कि जो ऑफर्स है जब सही टाइम आएगा तब आपको दिए जाएंगे, ताकि सब लोग जो है जिन लोगों के एरियाज इफेक्टेड है रायट से या प्रोटेस्ट से या इंटरनेट शटडाउन से, वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके और वो लोग भी जो है इन ऑफर्स का अगर फ़ायदा उठाना है तो उठा सके। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई पूरी दुनिया जो है या पूरी कंट्री जो है वो दुख में है, परेशानी में है, और हम लोग यहाँ पे जो है अपने ऑफर्स दिखा रहे, तो इसकी वजह से जो है मैंने भी और उन्होंने भी होल्ड करके रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एके का, बोलते हैं एप्पल जो है खुद के प्रोसेसर डेवलप क्यों नहीं करता मैकबुक के लिए इंस्टेड ऑफ इंटेल और एएमडी प्रोसेसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एप्पल के प्रोसेसर जो है आईफोन के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अभी देखिए एग्जैक्टली रीज़न तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक कंपनी जो होती है उसको कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बाहर से कॉम्पोनेंट लेना होता है, क्योंकि वो उन्होंने जो डेवलप किया है
उससे ज़्यादा बेहतर या अभी रेडिली अवेलेबल एक प्रोडक्ट होता है मार्केट में जो उनको फाइनेंशियली ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि लोगों को भी जो एंड प्रोडक्ट देना है उसको बनाने के लिए अगर वो इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा देंगे तो वो जो एंड प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट भी कंट्रोल में रखना जो है कंपनी की जिम्मेदारी होती है, अदरवाइज खरीदेगा नहीं, तो इसलिए वो लोग जो है इंटेल का प्रोसेसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देवराज भादरा का, हालांकि बहुत लोग जानते हैं लेकिन हमारे जो वीडियो है बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स भी देखते हैं तो उनके लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। बोलते एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड में फ्री है क्या वो iOS में चार्जेबल है या नहीं, ऐसा बहुत लोग बोलते तो वो पूछ रहे कि ये सच है या नहीं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, जो एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड में फ्री मिल जाएंगे वही एप्लीकेशन आपको आईफोन में भी फ्री मिल जाएंगे, जो एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड में पेड मिल जाएंगे वो एप्लीकेशन आपको आईफोन में पेड मिल जाएंगे, लेकिन एंड्रॉइड में लोग क्या करते हैं उसका APK फाइल डाउनलोड करते हैं और अननोन सोर्सेज से डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है उसको एनेबल कर देते हैं और वो एप्लीकेशन वहाँ पर जो डाउनलोड कर लेते हैं, आईफोन के अंदर वैसी चीज़ नहीं होती। इसलिए बहुत सारे जो डेवलपर्स है जो एक्चुअली क्वालिटी एप्स बनाते हैं वो लोग iOS सिस्टम को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पैसे की भी जो उनकी जो मेहनत है उसके पैसे की भी जो है सेफ्टी हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सैमसंग यूजर का, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का सवाल होगा इसलिए मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड से आईफोन पे जा रहा हूँ तो iPhone XR ले लूँ या फिर जनवरी में या 2020 में जब iPhone SE 2 आएगा तो उसके लिए वेट करना चाहिए या XR अभी ले लेना चाहिए। देखिए XR जो है एक अलग टाइप का फ़ोन है, उसके अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने मिलता है, बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और iPhone SE 2 जो आएगा वो एक iPhone 8 का एग्जैक्ट रेप्लिका होगा ऐसा अभी कहा जा रहा है, जो रूमर्स है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको iPhone 8 के बॉडी टाइप वाला iPhone चाहिए तो आप iPhone SE 2 के लिए जा सकते हो और अगर आपको iPhone XR या जो नॉच वाले iPhone है उस टाइप का iPhone चाहिए तो आप iPhone XR के लिए जा सकते हो। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद iPhone XR के लिए जाता क्योंकि मुझे इस टाइप का डिस्प्ले, नॉच वाला और इस टाइप की जेस्चर वाला iPhone पसंद है। जिन लोगों को छोटे iPhone पसंद है वो उसके लिए जा सकते हैं क्योंकि उसमें आपको एडवांस चिपसेट भी देखने मिलेगा A13 बायोनिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद तनवीर का, ये बोलते हैं आप आईफोन की बहुत तारीफ करते हो लेकिन आईफोन की बैटरी जो है बहुत घटिया होती है, क्यों ऐसा बताइए और वीवो के फोन कैसे है। देखिए आईफोन की बैटरी घटिया नहीं होती है, अब लोगों का बजट होता है कम तो उनको पुराने आईफोन लेना पड़ता है, जिनकी बैटरी लाइफ जो है ऑलरेडी कम होती है सेकंड हैंड वगैरह लेते हैं और पहले के आईफोन्स में आती थी बैटरी छोटी, अभी जो आईफोन्स की बैटरी आती है 3000 mAh की 3500 mAh की उनको एंड्रॉइड की 5000 mAh की बैटरी से कंपेयर मत करना, बहुत ज़्यादा चलती है। iPhone 11 अगर आप एक एवरेज यूज़र हो तो आराम से आपको जो है 2 दिन चल जाता है, आईफोन की बैटरी लाइफ ख़राब होती है ये एक बहुत गलत बात है। हाँ पुराने जो आईफोन्स है उनकी बैटरी उस टाइम के हिसाब से जो ठीक थी लेकिन आज के हिसाब से जो है बहुत छोटी है इसलिए वो जल्दी ड्रेन हो जाती है, और सेकंड हैंड आईफोन लेंगे तो ऑलरेडी उसकी बैटरी हेल्थ कम होगी तो आपको कम बैटरी लाइफ ही देखने मिलेगी। और वीवो के फोन्स अगर आप मुझे पूछेंगे तो वीवो के फोन जो है बहुत ही घटिया वाहियात होते हैं, जैसे कलर OS है वैसे ही वीवो का जो OS होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा अजीब होता है और मुझे तो बिल्कुल उन फोन से नफरत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्यम शुक्ला का, बोलते कुछ यूट्यूबर्स है जो आईफोन और उसके एक्सेसरीज को बोलते किडनी बेस्ड डिवाइसेस कहते हैं, आपका क्या राय है इस बारे में। पर्सनली मुझे एयरपॉड्स प्रो थोड़ा सा महंगा लगा, बिल्कुल एयरपॉड्स प्रो जो है वो महंगा है, मैंने उसका जो वीडियो बनाया था मैंने साफ तौर पे उसमें बोला था कि एयरपॉड्स 2 ले लो आप, एयरपॉड्स 1 ले लो लेकिन एयरपॉड्स प्रो अभी मत लो, इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि US के अंदर उसमें से $50 का डिफरेंस है लेकिन इंडिया में जो है 10 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंस है एयरपॉड्स 2 और एयरपॉड्स प्रो के बीच में, जो मुझे वर्थ नहीं लगता उस डिवाइस के लिए, तो जो था मैंने साफ साफ अपने वीडियो में बता दिया और बहुत लोग उससे अग्री भी करते हैं, कुछ लोग डिसअग्री करते हैं। रही बात उन यूट्यूबर्स की जो आईफोन और उसके जो डिवाइसेज उसको किडनी बेस्ड डिवाइसेज बोलते हैं, मेरी उसमें कोई भी राय नहीं है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। और एक लाइटर नोट पे कभी हंसी मजाक में भी लोग जो है बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, किसी को वो चीज़ बुरी लग सकती है किसी को बुरी नहीं लग सकती, तो एक वो एक जोक हो गया है किडनी बेस्ड डिवाइसेस, क्योंकि किसी ने तो है एक ज़माने में एक टाइम में चाइना में शायद अपनी किडनी बेचकर उसको सेल कर उससे लिए हुए पैसे से आईफोन खरीदा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गौरव सिंह का, बोलते हैं सर अगर किसी के पास 10,000 रुपये है और वो नॉर्मल यूज़र है जैसे कि वीडियो ऑडियो चलाना चाहता है तो iPhone SE क्यों लेगा, छोटे स्क्रीन में क्या होगा, ना फेसबुक चलेगा ना इंस्टाग्राम चलेगा। देखिए आपकी सोच जो है बहुत गलत है, अगर हंस रहे हो तो ठीक है मैं भी हंस देता हूँ, लेकिन iPhone SE जो है बहुत अच्छा फ़ोन है और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने अपना जो चैनल एक्चुअली शुरू किया वो iPhone SE से ही शुरू किया, मैक्सिमम वीडियोज़ मेरे चैनल पर आज भी iPhone SE पे शूट किए हुए, उस पर एडिट किए हुए, उस पर रेंडर किए हुए और उसी से अपलोड करके मैं जो है वीडियोस अपने YouTube चैनल पे डाला करता था, सारे टैग्स टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लंबा काम होता है, थंबनेल तक मैं iPhone SE पे बनाता था। तो ये बात आपकी बिल्कुल भी गलत है और ये मैं बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी 2019 की ही बात कर रहा हूँ या 2018 के एंड की बात कर रहा हूँ जब भी मैं iPhone SE पे शूट किया करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उपेंद्र का, ये बोलते हैं Realme के बड्स के बारे में जो एयरपॉड्स का कॉपी किया है, बोलते हैं इन्होंने उसको ट्राई करके देखा तो एयरपॉड्स से खाली साउंड क्वालिटी का में बाकी सेम टू सेम कॉपी बनाया है, तो आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या एप्पल उसको केस करेगा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करेगा
करेगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा। एप्पल कोई स्ट्रैटेजी अपनाएगा नहीं। एप्पल इस टाइप की कंपनी, जो रियलमी जैसी कंपनी है, उनके जो उन्होंने फर्स्ट कॉपी टाइप का बेशर्मी से जो कॉपी बनाया, क्लोन बनाया, उसके ऊपर थूकता भी नहीं है एप्पल। और रही बात इसके ऊपर क्या करेगा, क्या इस पर केस करेगा, बिल्कुल भी एप्पल इस पर केस करके अपना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि रियलमी एक चाइनीज कंपनी है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, चाइनीज कंपनी पर केस करने पर कोई जीत नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहित नेगिया, बोलते एप्पल इतना टाइम क्यों लगा था अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए, 15 से 30 दिन तक, क्योंकि एप्पल इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी। आप अगर बैंक की भी बात कर लेते हो, अगर आप सिम कार्ड की भी बात कर लेते हो, अगर आपने सिम कार्ड चेंज किया अपना, तो 24 आवर्स तक जो है आपकी एसएमएस सर्विस बंद रहती है, क्योंकि जो बैंकिंग होती है एसएमएस बैंकिंग, उसके लिए एसएमएस सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप ओटीपी ले सकते हो, तो सिम क्लोन का बहुत ज़्यादा फ्रॉड का सब कुछ चल रहा है मार्केट में, तो इसकी वजह से जो सिम कंपनीज है, जो कैरियर्स है, वो लोगों ने ये पॉलिसी रखी है। उसी तरह बैंक की भी अपनी पॉलिसी होती है, जब आप कोई जो है एनईएफटी करना चाहते हो किसी को, तो उसको जब आप ऐड करते हो एज अ बेनिफिशियरी, तो उस पर भी एक कूलिंग पीरियड होता है कि आपको जो है 24 आवर्स तक वेट करना होता है। हर बैंक का अलग अलग होता है, इस तरह से एप्पल का भी एक कूलिंग पीरियड समझ लो कि 15 से 30 दिन लेता है वो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने में हेल्प करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ सिंह का, ये एक सैमसंग यूजर है, 2017 का इनके पास सैमसंग का A5 है। बोलते हैं जब लिया था तब एंड्रॉइड 8 चल रहा था, लेकिन सैमसंग का फोन जो है एंड्रॉइड 6 पे था, और उसके बाद उसको ज्यादा अपडेट नहीं मिला, तो ऐसे क्यों होता है, जबकि एप्पल जो है अपने आईफोन्स को अपडेट देते रहता है, तो सैमसंग ऐसा क्यों नहीं दे सकता आईफोन की तरह, प्लीज टेल मी। देखिए सैमसंग जो है अपने फ्लैगशिप फोन्स को भी इस टाइप के अपडेट्स नहीं दे सकता जैसे एप्पल देता है। इनफैक्ट कोई भी एंड्रॉइड कंपनी जो है इस टाइप के अपडेट्स नहीं दे सकती। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा डिवाइसेस होते हैं, आए दिनों जो है हफ्ते हफ्ते में महीने महीने में दो दो तीन तीन फोन जो है ये लोग निकालते रहते हैं। हमारे यूट्यूबर्स को तो आप देखते होंगे, इंडिया वाले सब जो है एंड्रॉइड फोन्स के रिव्यू करते हैं, तो बस अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करते करते उनका चैनल का पूरा कॉन्टेंट हो जाता है। इतने ज्यादा फोन ये लोग निकालते हैं, इतने ज्यादा फोन निकलते हैं कि उसका ये लोग वीडियो भी नहीं बना सकते, तो इसी वजह से जो है वो कंपनी इसको क्या आफ्टर सेल सर्विस देगी और क्या सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तुषार बागड़े का, ये बोलते हैं इन्होंने फ्रेंड को अपने जो है हमारा QnA दिखाया जिसमें रियलमी के एयरपॉड्स के बारे में मैंने कुछ बताया था, तो बेचारा इतना पागल हो गया कि उसने रियलमी यूज़र है वो चैनल में मेरे खामियां ढूंढने लगा और बोलने लगा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए मैं एप्पल की साइड नहीं ले सकता, और कहने लगा कि हालांकि मेरी और उसकी दोस्ती पुरानी है लेकिन कुछ भी कहने लगा, अब वो मुझसे जो है ज़्यादा बात नहीं करता, रियलमी स्पीड टेस्ट का वीडियो देखने को भी मना कर रहा है, अब मेरे उसके झगड़े हो चुके हैं। देखो तुषार बागड़े, ये जो दोस्ती है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फ़ोन के सामने। मैं समझता हूँ जिसके आपके पास दोस्त के पास एंड्रॉइड फ़ोन भी है उसको अपने एंड्रॉइड फ़ोन के साथ खुश रहने दो, आपके पास आईफोन है तो आप अपने आईफोन के साथ खुश रहने दो। ये सारी चीज़ें एक कॉमोडिटी है और हम लोग जो है इंसान हैं, इंसान इंसान को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और ये कॉमोडिटीज़ जो होती है इसका अपना एक शौक होता है, एक पैशन होता है हर किसी का, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि वो आपकी दोस्ती या रिश्तेदारी से भी बढ़ के हो जाए। मैंने भी अपने रिश्तेदारों को देखा है फाइट करते हुए। मेरा एक कज़िन है वो आईफोन यूज़ कर रहा था, और हमारे एक जीजू है उनके पास जो एंड्रॉइड था, तो वो उसकी इंसल्ट कर रहे थे आईफोन यूज़र की, मेरे कज़िन की। उस टाइम पे मैं भी आईफोन यूज़ नहीं करता था, बहुत साल पुरानी बात है, कह रहे अगर मुझे कोई फ्री में भी आईफोन दे देगा ना तो मैं ले लूँगा। थू तूने कितने में आईफोन लिया, 40,000 में लिया, वो 40,000 में तो मैंने दो सैमसंग के फ़ोन ले लिया। तो इस टाइप के इंसल्ट जो है, इस टाइप की बातें जो है अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा इंसान को वैल्यू देना चाहिए दूसरे इंसान को इन प्रोडक्ट्स के सामने। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे क्यों नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आपके दिल में जो भी सवाल है नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।